today I am going to start interrogative sentence of present continuous. जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा की थी, तो आइए आज हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके रूल्स और उसके सेंटेंस को. तो जैसा कि आपने टेंस में जो है जो 12 टेंस होते हैं उसकी अपनी अलग अलग पहचान होती है, उसकी अलग अलग सहायक क्रियाएं होती हैं, उस पर हमने चर्चा किया है. इसके टेंस इस टेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रियाओं पर भी मैंने चर्चा किया है, उनके क्लासिफिकेशन पर मैंने चर्चा किया है कि वो कौन सी सहायक क्रिया किसके साथ लगती है. तो जैसा कि आप जानते हैं मैं फिर रिविज़न कर दे रहा हूँ, जो ये ही है वो प्रयोग की जाती है ही सी इट के साथ, आई के साथ केवल यम आता है और वी यू दे के साथ ये आर आता है. जैसा कि आप इनके तीनों को मतलब कि तीनों प्रयोग को तीनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है मैंने लिख दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं. तो आइए हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने कैटेगराइज किया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो खंड में या दो भागों में रखा जाता है या दो रूपों में देखा जाता है. जैसा कि पहला जो होता है उसको कहा जाता है मुख्य प्रश्नवाचक. इसमें ए और बी को मतलब क्रम में ए और बी इसलिए डाला गया कि पहले जो ए है उसको जो है मुख्य प्रश्नवाचक माना जाता है. एक मुख्य प्रश्नवाचक का तात्पर्य होता है कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होता है. मतलब ये कह लीजिए आप कि यदि क्या क्यों कहाँ कब कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो दूसरा नियम लगता है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या शब्द या क्या क्यों कहाँ कब कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के प्रारंभ में हों तो दूसरा नियम लगता है, मतलब दूसरे प्रकार का नियम होता है. तो इस प्रकार से मैंने इसको कैटेगराइज किया है, मैंने उसको जो है दो मतलब कि कैटेगरी में श्रेणियों में रखा है. तो हम पहले की बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ही बात. तो इसमें ये नियम होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य आप देखते रहिए प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द यहाँ शब्द की बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, बीच का मतलब हम आपको दिखाते हैं बीच में हो तो सर्वप्रथम इसका एक दूसरा नियम है सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म ये क्रम होता है. जैसे आप देख लीजिए वाक्य को आप देख सकते हैं जैसे तुम्हारा भाई अब कहाँ जा रहा है ये वाक्य है ये प्रश्नवाचक है. आप एक और देखिए क्या वह कठिन परिश्रम कर रहा है, दोनों जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दोनों वाक्य हैं और दोनों वाक्य जो है प्रश्नवाचक हैं, वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है. सो आई मीन टू से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड आल्सो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब मुख्य प्रश्नवाचक कहा जाता है, और सेकेंड इज कॉल्ड आल्सो सहायक प्रश्नवाचक. दूसरे को सहायक प्रश्नवाचक और पहले को मुख्य प्रश्नवाचक कहा जाता है. इसलिए इसको कैटेगरी में जो है ए की श्रेणी में रखा जाता है, इसको बी की श्रेणी में रखा जाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा हम कर रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होंगे. चूंकि यदि स्टूडेंट मतलब कि छात्र अगर आप मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में अंतर नहीं समझ पाएंगे तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग रूल्स होते हैं. तो इसलिए दोनों को जानना दोनों को स्टैंडर्ड को समझना दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं आज दोनों वाक्यों के अंतर को स्पष्ट करने जा रहा हूँ. तो जैसा यहाँ लिखा है देखिए मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य इसमें लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक
शब्द वाक के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वही होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक शब्द देखे। अब यहाँ पर जो है ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर क्या शब्द प्रारंभ में है, यहाँ पर बीच में है, दोनों में अंतर क्या है, ये जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा, नीचे वाला सहायक प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से अब देखिए, जब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसको कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर अभी जो है मैं जो है इसमें आने वाले जो मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के मुख्य प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य जो बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले साधारण से मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जो साधारण मतलब साधारण नियम से बन जाते हैं, जो सीधे सीधे एक शब्दों के मुख्य प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर है वो तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पर नियम है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेयर। अब यहाँ पर आपको सहायक क्रिया लिखना है, क्योंकि ये नियम है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है तीन सहायक क्रिया होती है, तीन सहायक क्रियाओं में से एक सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन उसके पहले आपको जो उसमें वाक्य में आया जो कर्ता आया हुआ है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, वो एक वचन है कि बहुवचन है, ही सी ईट है कि आई वी यू दे है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो कर्ता है तुम्हारा भाई, ये तो सिंगुलर नंबर है, जब ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर की जो सहायक क्रिया है वो यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वेयर इज। अब इसके बाद ये बताते हैं कि सहायक क्रिया के बाद कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता यहां टोटल लिखा जाएगा योर ब्रदर। अब यहां पर आपने लिखा फेयर इज योर ब्रदर। अब यहां पर कहा जा रहा है कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, जाने का इसमें जो जाने वाली बात है वो गो है, तो गो में आई एन जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग। इसके बाद नियम है उसमें जितने भी कर्म आए रहते हैं बाद में लिख दिए जाते हैं, यहाँ पर अब है, तो हेयर इज योर ब्रदर गोइंग नाउ, नाउ मीन्स अब होता है। इस प्रकार से ये वाक्य हल हो गया। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, आप दूसरा वाक्य देखिए, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका अभी रूल्स वहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, तो इसकी चर्चा अभी करते हैं। ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है, एक मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को और आप देखिए, जैसे है पिताजी माताजी, माताजी रसोइयाँ मतलब भोजन कैसे पका रही हैं, कैसे पका रही हैं। देखिए अब इसमें जो शब्द है कैसे, ये मुख्य प्रश्नवाचक है, वो ये बात सिद्ध हो रही है कि मुख्य प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो अगर बीच में होते हैं तो मुख्य प्रश्नवाचक होता है, और प्रारंभ में होते हैं तो सहायक प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर भी देखिए ये बहुत सरल वाक्य है, जैसे आप लिखेंगे हाउ, अब ये हाउ के बाद आएगा एक सहायक क्रिया लिखी जाएगी, यहाँ माता जी हैं इसलिए यहाँ भी क्या होगा, इज होगा, हाउ इज मदर। मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया के बाद तुरंत क्या आ गया, करता, हाउ इज मदर कुकिंग। अब कुकिंग मीन्स पकाना, और इसके बाद फूड, फूड मीन्स होता है रसोइयाँ या भोजन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य में किया जा रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव के ए वाले श्रेणी में मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों का। एक और मुख्य प्रश्नवाचक शब्द होता है जिसकी चर्चा हम पिछले टेंस में किए हैं, वो मुख्य प्रश्नवाचक और कर्ता दोनों का काम कर रहा होता है। तुम्हें यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी कौन पढ़ा रहा है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है मैंने आपके समक्ष पिछले टेंसेज में जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था उसमें चर्चा किया था कि अब देखिए यहाँ पर जो हु शब्द आ गया है ये बीच में तो आया है मुख्य प्रश्नवाचक जगह तो काम कर रहा है, लेकिन इसका जो अनुवाद होता है वो कर्ता मान करके किया जाता है। इसको सिंपल से थॉट सिंपल से विचारों में आप समझिए कि हु एक ऐसा शब्द होता है जो मैंने बताया है ये कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कर्ता प्रश्नवाचक शब्द तो बना है,
लेकिन अभी इसके बाद देखिए कैसे ये प्रयोग किया जाता है, आप देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर तो कर्ता पर समाचक की बात जो है वो सही है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए जो है ये जो तुम्हें है और जो हिंदी है ये जो है कर्म के रूप में आया हुआ है। लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको दिखाई ये पड़ रहा है कि इसमें भी कर्ता है, मुख्य समाचक शब्द है, सहायक क्रिया आएगी, नियम लगेगा, अनुवाद बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हु जो है एक ऐसा विवादित या अपवादजनक शब्द है जो कर्ता और प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है। ये कर्म के अनुसार एक वचन और बहुवचन हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ये तुम्हें जो शब्द है ये कर्म के रूप में आया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हु। देखिए अब अगर जैसे इसको हम कर्ता मान लें तुम्हें को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि इसको हम कर्ता मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो इस शब्द आया है हु, इसको अगर जैसे कोई कह दे कि यहाँ पर मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में काम कर रहा है, वो तो सही है, लेकिन ये मुख्य प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों का काम करता है। अब दोनों का कैसे काम कर रहा है, आप इसको देखिए, इसके रहस्य को समझिए। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि ये मुख्य प्रश्नवाचक शब्द हो गया, ठीक है मैं कर्ता सहायक क्रिया लिख देता हूँ, यहाँ तक तो बात सही हो रही है, यहाँ तक बात सिद्ध हो रही है कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड नो अबाउट द यूज ऑफ नो, सो हियर इज बीइंग रिटेन इज इट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, सो इट इज बट देयर इज नो सब्जेक्ट इफ who is working as a interrogative word, so after who helping verb should be retained, after helping verb the subject of that sentence should be retained, but there is no subject, I mean to say that there is no subject, subject is absent also in such kind of sentence where who is being used, I mean to say that where who is being used, such kind of sentence is not make the use of subject in this sentence, मतलब इसमें कर्ता के द्वारा वाक्य नहीं बनाया जाता है, कर्ता आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब आपके अनुसार जो है अगर मुख्य प्रश्नवाचक में मान लूँ तो यहाँ पर कर्ता लिखा जाएगा, लेकिन कर्ता इसमें है नहीं। हु इज टीचिंग, देखिए आप देखते रहिए, हु इज टीचिंग हिंदी, हु इज टीचिंग हिंदी टू यू। देखिए अब यहाँ पर अगर ये दोनों कर्ता के रूप में आए होते तो यहाँ पर पहले लिख दिए जाते, जैसे इसमें लिखा गया है, देख लीजिए आप ऐसे इस प्रकार के वाक्य जो बनाए जा रहे हैं, हु के प्रयोग वाले जो वाक्य हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो आप इसमें कर्ता को खोजेंगे, और जब कर्ता को खोज करके इस वाक्य को आप हल करेंगे तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो आई मीन टू से दैट हु इज सब्जेक्ट एज वेल एज मेन इंट्रोगेटिव वर्ड, सो इफ़ द यूज ऑफ हु द सेंटेंस इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द सेंटेंस इज बीइंग ट्रांसलेटेड, सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू शुड रिमेंबर दैट देयर इज नो सब्जेक्ट इन द यूज ऑफ हु, मतलब हु वाले कर्ता में, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हु इज टीचिंग हिंदी टू यू। यहाँ पर यू से भी ये वाक्य बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हु इज टीचिंग यू हिंदी, ऐसे भी वाक्य ये बनाया जा सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन मैंने बताया था कि नाउन से प्रोनाउन जुटेगा तो प्रीपोजिशन टू आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर ये जुटा है क्या, प्रोनाउन जुटा है, और यदि आप प्रोनाउन से प्लस नाउन करेंगे तो कोई जो है मतलब प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं मेन इंट्रोगेटिव शब्द सेंटेंस में हु का कैसे प्रयोग किया जाता है, और बाकी और जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप जो है मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों को और मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के रूप में दिखाई देने वाले हु का प्रयोग आप समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं दूसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य है, इस प्रकार से दूसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसा कि एक वाक्य यहाँ मैंने लिखा है, आप देख लीजिए ये जो है ये बी मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें हम आपको ले चलते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं, आप देखते रहिए।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है बी, इसको कहते हैं सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि वह वाक्य, इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं, मतलब कि यदि, अब इसका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन आप जान लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो, हो तो, मतलब ये बात कही जा रही है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो नियम क्या होता है, तो सर्वप्रथम, ये नियम है, आप लिख सकते हो, सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ये नियम होता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब कि आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म, ये इसका नियम होता है। जैसा कि आप देखिए वाक्यों के मतलब के अनुसार, आप देखिए क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, देखिए अब इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, और ऐसे भी अगर लिखा जाएगा चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है, बजा रहा है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें ये अंतर है। इसमें क्या अंतर है कि ये जो है क्यों जो शब्द है, मुख्य प्रश्नवाचक जो शब्द है, वाक्य के बीच में आया है, तो आप ये देखिए कि इसमें मतलब कि जैसे जो दो प्रश्नवाचक मैंने जो बताया, जैसे एक ए वाला और एक बी, दो प्रकार के मैंने प्रश्नवाचक बताया, तो बी की ये शर्त होती है कि क्या शब्द या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होते हैं, और मुख्य प्रश्नवाचक सेंटेंस का तात्पर्य होता है कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में होते हैं, जब उसका आप ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो सर्वप्रथम उनको लिखते हैं, और सहायक प्रश्नवाचक में जब आप उनका ट्रांसलेशन करने लिखते हैं तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया जो तीन मैंने बताया, जो तीन सहायक क्रियाएं हैं, इनका अलग अलग रूपों में मतलब कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, मतलब वाक्य में आए हुए कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया आती है, एक वचन बहुवचन के अनुसार, आई के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को कि इसमें है कि क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, वाक्य प्रारंभ में हो तो ये कहते हैं कि सर्वप्रथम, अब आप चपरासी मीन्स चेक करना पड़ेगा, चपरासी एक वचन है कि बहुवचन, चपरासी क्या है, एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज द प्यून, सहायक क्रिया प्लस कर्ता। अब आएगा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, घंटी बजाने की अंग्रेजी होती है रिंग, तो उसमें क्या जुट जाएगा, रिंगिंग, द प्यून इज रिंगिंग द बेल बन गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप देखिए जैसे अब इसमें है कि हुआई इज, ये मुख्य प्रश्नवाचक है, इज द प्यून, अंतर आप समझिए, प्यून रिंगिंग द बेल, वही बातें हैं, इसके प्रश्न और उसके प्रश्न में अंतर आ रहा है, इसके अर्थों में अंतर आ रहा है, इसमें प्रश्न और उसके प्रश्न में अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या कुछ खिलाड़ी, क्या कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर आप वाक्य को देख लीजिए, वाक्य के अकॉर्डिंग जो है कुछ विद्यार्थी मीन्स
प्लूरल नंबर, द प्लेयर्स आर प्लूरल नंबर आर द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर, मतलब यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों की अंग्रेजी लिखेंगे आप, सम तो उसके पहले क्या हो जाएगा, आर सम स्टूडेंट्स। देखिए इस प्रकार से अब यहाँ पर आर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कर्ता है वो बहुवचन है। यहाँ पर इज का क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि कर्ता जो है वो सिंगुलर नंबर है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर है। आर सम स्टूडेंट्स प्लेइंग, अब प्लेइंग मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्लेइंग क्रिकेट, खेल के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं है, इट्स प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ये बन गया बात। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जैसे कि एक दो तीन, मतलब तीन प्रकार के जो सेंटेंस उसमें दिखाए गए थे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर वाक्य रहेगा तो आप उसमें ज़रा सा भी मत घबराइए, उसका सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा रूल है कि कर्ता के बाद आप नॉट लगाएंगे, वाक्य को आप देखते रहिए। जैसे यहाँ है, क्या कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं, ये वाक्य हो गया आपका निगेटिव आ गया और इंट्रोगेटिव। मुख्य प्रश्नवाचक वाले में भी मैंने बताया था चर्चा, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों का भी मैं चर्चा करूंगा निगेटिव और उसके साथ, मतलब कि जैसे मुख्य प्रश्नवाचक में जैसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो उसको कैसे हल किया जाएगा, और सहायक प्रश्नवाचक में कैसे हो तो उसको कैसे हल किया जाएगा, उसमें कोई कुछ घबराने की बात नहीं होती है। इसके लिए इसका मैंने नाम नहीं दिया है, मैंने तीन ही नाम दिया है वाक्यों का, पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और चौथा जो नाम है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वो कोई मतलब सेंटेंस नहीं है, उसको निगेटिव प्रयोग करके उसमें एक और उसका नाम बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से आप जो है जानने और सीखने की दृष्टि से आप चार तो मान लीजिए, लेकिन मेन तीन ही होते हैं, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में जो निगेटिव आता है वो काइंड्स उसका नहीं होता है, उसका अलग नंबर नहीं होता है, वही है, उसमें नॉट कहाँ लगेगा इसको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ है, क्या कुछ विद्यार्थी, अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, आर सम स्टूडेंट्स। आप इस प्रकार से जो इसके मतलब इसके अनुसार, मतलब इस प्रकार के वाक्यों के अनुसार जो और वाक्य हैं इससे हूबहू मिलने वाले हैं, जिसमें बहुत कर्ता क्रिया कर्म का भेद नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, उनको उन सारे वाक्यों को आपको हल करना चाहिए। क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि आप फराटेदार अंग्रेजी तभी बोल पाएंगे जब टेंस जो है, जिसमें सारे क्रिया के तीनों फॉर्म को मॉडिफाई किया जाता है, मैनिफेस्ट किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें सारी यूज को दिखाए जाते हैं, उनके तीनों रूप को, क्रिया के तीनों रूपों को प्रयोग किया जाता है, तो इन क्रिया के तीनों रूपों को रट करके आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे, यूज करके आप सेंटेंस बनाएंगे। आप दैनिक जीवन में, दफ्तर में, आप कार्यालय में, मतलब घर पर, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ उनका प्रयोग करेंगे, तो आप क्या माने जाएंगे, एक प्रैक्टिशनर माने जाएंगे। सो प्रैक्टिशनर इज वेरी गुड टीचर देन ए रियल टीचर नोइंग समथिंग, मतलब आप जो है एक वास्तविक अध्यापक से जो प्रैक्टिस करने वाले अध्यापक होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस करने वाले जो अभ्यास करते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें अच्छे ढंग से याद रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर सम स्टूडेंट्स नॉट, यहाँ पर निगेटिव है, नॉट मेकिंग ए नायज, मेकिंग ए नायज इन द क्लास। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाक्य हल हो गया। तो इसी प्रकार से आप एक और मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि आप देख रहे हैं सहायक प्रश्नवाचक को, मुख्य प्रश्नवाचक में भी निगेटिव जैसे आएगा, मतलब चौथे प्रकार का वाक्य आ जाएगा, तो उसको कैसे हल करेंगे आप देखिए। क्या वह चिड़ियाघर देखने, चिड़ियाघर देखने नहीं जा रहा है, वाक्य देखिए से निगेटिव है, एक और आ गया इन्फिनिटिव भी आ गया है, उससे कुछ घबराइए नहीं, आप निगेटिव शब्द आया है, आई एम सॉरी, ये तो मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक ही हो गया। मुख्य वाला देखिए आप, कि
उसका भाई क्यों नहीं, उसका भाई स्कूल, उसका भाई यहाँ पर उसका भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। देखिए इस वाक्य को देखिए, उसका भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। अब ये तो इंट्रोगेटिव मतलब सहायक प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन मुख्य प्रश्नवाचक आप देखिए, उसका भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पर वाई पहले लिखा जाएगा, वाई के बाद उसका भाई अर्थात एक वचन वाई इज योर सॉरी हीज, वाई इज हीज ब्रदर। अब मैंने बताया था ना कि कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, वाई इज हीज ब्रदर नॉट गोइंग टू स्कूल, उसका भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस के मुख्य प्रश्नवाचक और सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मुख्य प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का कहाँ प्रयोग किया जाता है, नॉट के प्रयोग का क्या स्तर होता है, उसका स्थान क्या होता है, आप उसको देख रहे हैं। सो आई मीन टू से दैट इंट्रोगेटिव ए मतलब मुख्य प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव बी मतलब सहायक प्रश्नवाचक, एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सेंटेंस हैव बीन फिनिश्ड, हैव बीन सॉल्व टुडे ऑन दिस वीडियो। सो द रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस एंड द रूल्स ऑफ मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर वेरी क्लियर, आर वेरी ईजी, एंड द यूज ऑफ निगेटिव सेंटेंस विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर इन यूज ऑफ नॉट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट कैन लर्न, स्टूडेंट कैन यूज, स्टूडेंट कैन मेक ए गुड प्रैक्टिस विथ सॉल्विंग विथ दीज सेंटेंसेज एंड रेस्ट सेंटेंसेज विच आर इन द टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट्स शुड यूज एंड स्टूडेंट्स शुड यूज सम रेस्ट सेंटेंसेज विच आर नॉट बींग सॉल्व इन दिस वीडियो। सो आई मीन टू से दैट देर आर वेरी फ्यू रूल्स विच आर रिलेटेड टू द इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक वाक। सो ऑल द रूल्स ऑफ पॉजिटिव निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए एंड बी हैव बीन टूडे फिनिश्ड। सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच इज़ द थर्ड टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, द सेकेंड टेंस कॉन्टीन्यूअस एंड थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज ऑल्सो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सो टुडे द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हैज बीन फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।